हमारी समझ में तो किसी की हिम्मत नहीं। रावण आवत सुने सकोहा देवन तक मेर गिर खुआ, सब भागते थे। रावण को देख गई चलत दशानन डोलत अवनी। बोलो भाई, पृथ्वी कांपती थी लेकिन पत्नी में कितना पावर है कि मुंह पर हाथ ही रख दिया, कहे रुक जाओ कुछ मत बोलो। एक बार एक पहलवान था पति, सो एकदम पहलवानी करके आया, दौड़ लगा के पहलवानी करके रियाज करके आया और बोला सुन दूध गरम कर दे, मैं रियाज करके आया हूं, मेहनत करके आया हूं, दौड़ लगा के आया हूं 5 किलोमीटर की, दूध गरम कर जल्दी कर। उसने कहा फुर्सत नहीं है। पहलवान की पत्नी बोल रही है फुर्सत नहीं है, तो एकदम आंख निकाल के बोला जल्दी दूध गरम कर दे नहीं तो। तो पत्नी बोली नहीं तो क्या करोगे, बोला तो ठंडे ही पी लूंगा। अब बोलो भाई क्या फायदा रही हैं, इतना बड़ा पहलवान कहता है कि ठंडे ही पी लूंगा फिर तो। तो ही बोलो भाई पहलवान का पावर 2 मिनट में डाउन हो गया कि नहीं हो गया, टेम्परेचर पूरा डाउन हो गया है। तो मंदोदरी ने हाथ रख दिया मुंह पर, कहे चुप रहो चुप रहो। रावण बोला क्यों चुप रहे, कहे तुम्हारी भुजाएं राम की भुजा को चैलेंज दे रही हैं, बुद्धि नष्ट हो गई तुम्हारी। रावण बोला कैसे, कहे एक बात बताओ ये तुम्हारी भुजाएं राम को चुनौती क्यों दे रही हैं, का इसलिए दे रही है कि सीता लंका में ही रहें, राम का ये साहस है कि हम लंका से रावण को मार के राक्षसों को मार के सीता को लेके वापस अयोध्या जाएंगे, ये राम की भुजाएं मुझे ललकार रही हैं, लेकिन मेरी भुजाएं राम को ललकार रही हैं कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रावण रहेगा, और रावण रहेगा तो ताकत भुजाओं में रहेगी, और जैसे ही राम आएगा तो मेरी भुजाएं राम को धूल धूषित कर देंगे। मंदोदरी ने कहा कि एक बात बताओ, जब तुम जनकपुर गए थे और सीता जी के पिता ने घोषणा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, ये बात सही है कि नहीं? रावण बोला हाँ 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 सही है। गए थे कि नहीं गए थे? कहां गए तो थे, उस समय तुम्हारी भुजाएं क्या गिरवी रखी थी? अगर भुजाओं में ताकत थी तो धनुष को तोड़ देते और सीता को जनकपुर से लंका ले आते। किसी की हिम्मत पड़ती कि लंका का कोई विरोध करता? जल्दी बोलो भाई हैं? सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, प्रभु मन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरह हट तेहि। गए तो थे लेकिन धनुष के पास पहुंच भी नहीं पाए, और पहुंच गए तो छू नहीं पाए, लेकिन राम की भुजा ने बोलो धनुष तोड़ा कि नहीं थोड़ा, तुम्हारी भुजा छू नहीं पाई और राम की भुजा धनुष को छुअता ही टूट पिनाक पुराना। अब क्या चैलेंज दे रहे हो राम की भुजा को? शर्म आनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत बुद्धि है तो परिवर्तन कर लो और समर्पण कर दो। और सुनो, उनके छोटे भाई की भुजा की ताकत जानते हो क्या है? रावण बोला क्या ताकत है? का सुना तो यह है कि जग महासखा निसाचर जेते और लक्ष्मण हनन मिसमा तेते। ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण की भुजा की ताकत है कि जितने जगत में राक्षस हैं हनय निमिषमा तेते, ये उनके छोटे भाई की भुजा की ताकत है। अरे रावण बोला कि ओ छोटा भाई तो उसकी चर्चा बंद करो, किसी मायने नहीं है वो क्या है। मंदोदरी ने कहा सुनो, अब सुन लो, उनके छोटे भाई ने अपनी भुजा से एक रेखा खींची थी कि नहीं?
कहे हाँ खींची थी। कब खींची थी? जब सीता को चुराने के लिए गए थे तब। जब आप सीता को चुराने के लिए गए थे, इसके पहले उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींची थी भुजा से। रामानुज लघु रेख जाई, ओ सो नहीं लागे अस मन शाई। सो नहीं लागे अस मनुषाई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक भुजा से रेखा खींच दी थी पतली सी, लेकिन तुम्हारी भुजा अंदर नहीं जा रेखा की। अब तुम क्या बात कर रहे हो? रावण बोला तुम समझती नहीं, समझने की कोशिश करो। क्या मैं तो रेखा के अंदर जा ही रहा था, मैं धनुष तोड़ने के लिए ही गया था, रेखा के अंदर जाने के लिए गया था, तो न धनुष तोड़ पाए न रेखा के अंदर जा पाए। कारण क्या है? कहां गई थी तुम्हारी ताकत उस समय? बताइए, जवाब दो। रावण कहता है जैसे ही मैं धनुष के पास जाने लगा तो हमारे गुरुदेव बैठे थे धनुष के ऊपर, भगवान शंकर। और जैसे ही मैंने कोशिश की छूने की तो भगवान शंकर ने कहा बेटा अभी तक मैंने छोड़ा तुझे, लेकिन तीसरा नेत्र आज मैं तेरे लिए स्पेशल खोलूंगा, तेरे लिए ही स्पेशल खोलूंगा, अगर तूने धनुष छुआ और तू फट जल के खाक, जल के खाक। उसी समय क्यों मंदोदरी, मैं सीता को लेने गया था कि खाक होने गया था ये बताओ? वो खाक हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? अगर मैं खाक हो जाता जनकपुर में तो तुम्हारा क्या होता? सोचो तो बोलो, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बैक हो गया कि नहीं हो गया? तुरंत बैक हुआ। तो कहा फिर गए थे सीता को चुराने के लिए रेखा के अंदर, क्यों नहीं जा पाए? कहा उसमें करंट सिस्टम था, रेखा में करंट सिस्टम था, और जैसे ही मैं रेखा के अंदर प्रवेश करना चाहा उसी समय एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। अगर मैं दुस्साहस करता तो जल के खाक हो जाता। जनकपुर में भी भगवान गुरुदेव के नेत्र से खाक होता, यहां वो अग्नि की ज्वाला उठ खड़ी हुई दीवाल बन गई, वहां जल के भस्मीभूत हो जाता। तो मैंने सोचा, मिथिला में भी मैंने सोचा कि नहीं नहीं मंदोदरी का क्या होगा, पंचवटी में भी मैंने सोचा बैक हो जाना चाहिए, मेरी मंदोदरी का क्या होगा? मंदोदरी बोली फोटो देख करके और सोच सोच करके मेरा चिंतन करते करते बैक हो गए। और जब मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? जब मैं डायरेक्ट ही समझा रही हूँ तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? इधर उधर जाकर के हमारी यादें आती हैं, सामने यादें सब समाप्त हो जाती हैं। जब मैं कह रही हूँ कि बैक हो जाओ, सिंधु तरो उनको बनरा, केशवदास जी, महाकवि केशवदास जी ने रामचंद्रिका में लिखा है, महाकवि केशवदास जी ने रामचंद्रिका में लिखा, मंदोदरी कह रही है भगवान के प्रताप का वर्णन कर रही है। किसके प्रताप का वर्णन? भगवान के प्रताप का वर्णन कर रही है। इन राजाओं को कौन समझावे? ये जनकपुर में जो मूर्ख राजा कह रहे ले छुड़ाए सीए के, कोई धर बांधा नृप बालक दोई, रावण हरण करके ले गया था, बोलो परिणाम ये निकला, रहा न कहू कुल रोवन हारा। और आज ये भाषा बोल रहे हैं, कौन सी भाषा? के ले हो छुड़ाए सीए कहीं कोई, और धर बांधो नृप बालक दोई, जो विदेह कछु करें सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, अपनी अपनी। आप कहोगे स्वामी जी तलवारें निकल गई? हाँ, जैसे ही तलवारें निकाली लक्ष्मण जी ने कहा भैया आदेश, आदेश। भगवान ने कहा आदेश क्या चाहते हो? आपको कुछ नहीं करना है, आप गंभीर बनकर के खड़े रहें, लेकिन वीरता का प्रदर्शन आज लक्ष्मण करेगा। भगवान ने कहा वीरता के प्रदर्शन के बाद रिजल्ट आउट होगा तो उसमें हस्ताक्षर किससे होंगे? स्याही से नहीं होंगे, खून से हस्ताक्षर होंगे। बोलो जल्दी बोलो,
बोलो होंगे रक्त से हस्ताक्षर होंगे कि नहीं। इसका मतलब है कि जितने भी राजा विरोध